हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, डेली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ आ रहा है आपके अपने एक्यूरेट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सब वो सारे वीडियोज़ जो है वो आप देख रहे हो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि आज के वीडियो से, यानी कि आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम सबको डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गाइस पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए टैन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। यानी आपको कॉस ए को, टैन ए को और सेक ए को रिप्रेजेंट करना है साइन ए के रेशियो में। तो ये कैसे होगा? तो देखिए, आइडेंटिटीज़ आपके लिए तब आसान होता है जब आपको फार्मूला याद होता है, ठीक है। वैसे तो कई सारी बातें हैं आइडेंटिटीज़ के लिए, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस तरीके से याद रखना है कि आपको मैं बेसिकली शुरुआत में कुछ फार्मूला बता दूं जो कि आपको इस क्वेश्चन में और आइडेंटिटीज़ में हेल्प होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे सबसे पहले आप आ जाओ कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर कहोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरीके से। और एक और फार्मूला जो होता है साइन थीटा कॉस टैन कॉस सेक सेक और कॉट। तो एक चीज़ याद रखना, जो जिस चीज़ के नीचे है ना वो उसका रेसिप्रोकल है। इसका ये मतलब है कि साइन के नीचे कॉसेक है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक थीटा, या फिर आप कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हो वन बाई साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये वाला पैटर्न याद रखोगे तो आपको रेसिप्रोकल वाला जो फार्मूला है वो याद हो जाएगा, आपको टैन कॉट का याद करना पड़ेगा। और लास्ट की मैं अगर बात करूँ तो तीन फार्मूला और होता है जिसको आपको आइडेंटिटीज़ में याद करना है। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और तीसरा होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। देखिए, ये तीन फार्मूला और है, मतलब आइडेंटिटीज़ में सिर्फ इतना ही फार्मूला है, अगर आप इतना याद कर लोगे तो दैट इज़ एनफ फॉर यू। और अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो ये तो आपको याद हो गया होगा, भाई साइन जो होता है वो टैन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। इस फार्मूले के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो पहला फार्मूला है वो प्लस वाला है, और ये आप कह लो कि लाइफ टाइम आपको ये याद रहने वाला है, इतना बार यूज़ होगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये तो याद हो गया, लेकिन आपको ये माइनस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, आप एक काम करो, आप इसको बोल दो एस टी और इसको बोल दो भाई सी सी। तो एस टी बोलने का मतलब ये है कि इन स्क्वायर वाले फार्मूला में बस दो में माइनस होता है, एक एस टी में और सी सी में। एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और सी सी का मतलब होता है कॉसेक माइनस कॉट। अब आप कहोगे सर दोनों सी सी है तो कॉट और कॉसेक भी तो लिख सकते हैं। तो देखो, अगर आप इसको पढ़ते हो ना साइन कॉस टैन कॉसेक, तो कॉसेक पहले आता है, तो इधर इसमें जो सी होगा वो कॉसेक होगा और बाद वाला कॉट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको फार्मूला जो है याद हो जाएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है गाइस। और अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमें कॉस ए, टैन ए और सेक ए, इन तीनों को साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कैसे लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ साइन ए। तो मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। तो आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, यानी कॉस ए बराबर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कॉस ए को हमने इन टर्म ऑफ साइन ए कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आते हैं सेकेंड में टैन ए, तो भाई टैन ए बराबर अभी अभी मैंने आपको बताया भाई साइन ए बाई कॉस ए होता है। तो देखो, साइन को तो वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें साइन ए लाना ही है ना, तो साइन ए एज इट इज़ रह गया, और डिवाइड में कॉस ए की जगह पे ये ऊपर वाला वैल्यू लिख सकते हैं, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए। और लास्ट बचता है आपका सेक ए, ठीक है, सेक ए। तो भाई सेक ए बराबर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है वन बाई कॉस थीटा, ठीक है, याद रखना। सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, वन बाई कॉस थीटा,
क्योंकि मैंने ये आपको लिख के बताया ना, साइन कॉस टैन कॉसेक, ठीक है, सेक और कॉट। तो आप देख रहे हो कि सेक और कॉसेक ऊपर नीचे आ रहा है, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इधर आप कॉसेक का कॉस थीटा नहीं कॉस ए लिखो, और कॉसेक का वैल्यू क्या है अभी जो आया वही पुट कर दो। तो 1/(1) माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको तीनों मतलब कॉस ए टैन ए और सेक ए को इन टर्म ऑफ साइन ए कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो गाइज जाते जाते आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पर रेगुलर बने रहना है क्योंकि वीडियोज जो है गाइज वो रेगुलर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।